जी फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म में। तकरीबन 10-15 भैंसे बिक्री के लिए उपलब्ध है और मैं जो वीडियो लेके आया हूँ बिल्कुल आप सामने देख भी रहे होंगे। एक भैंस जो ताजी जनी हुई है और मेला डाल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बहुत से भाइयों की इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये भैंसें तकरीबन आज 2 या 3 दिन की जनी हुई है और इस प्रकार से ये कचरा डाल रही है। तो ये कचरा डालने का कारण क्या है? कई बार क्या है, ताज़ी जनी भैंस हो जब जेर गिराती है तो उसमें से कुछ टुकड़े बोल देते हैं या कुछ कचरा बच्चेदानी के अंदर रह जाता है, जिसके कारण ये बाद में ये रेड कलर का थोड़ा वाइट, इसके अंदर थोड़ा वाइट जैसा रेड कलर का जो कचरा डाल रही है। इसमें आपको करना क्या है, अगर आपके पास AI करने वाला डॉक्टर हो आसपास, या तो उससे इसके अंदर मेट्रोजिल एक छोटी ग्लूकोज आती है जो हम बोल देते हैं आदमियों में भी चढ़ाई जाती है छोटी ग्लूकोज, मेट्रोजिल, एक मेट्रोजिल लें और एक ऑक्सी। तो इसमें आप 3 ऑक्सी लेंगे, 3 मेट्रोजिल, एक ऑक्सी के साथ एक मेट्रोजिल मिला के, और AI करने वाला डॉक्टर है, इसकी बच्चेदानी के अंदर वो दवाई रख देगा। ये 3 टाइम आपको करना है 24 घंटे के बाद, जैसे शाम को किया तो अगले दिन फिर शाम को, फिर उससे अगले दिन फिर शाम को। ये 3 टाइम करने के बाद बिल्कुल कचरा साफ होके भैंस फिर से खाने पीने लग जाएगी और दोबारा से ये कचरा नहीं डालेगी, क्योंकि उससे उसकी बच्चादानी बिल्कुल साफ हो जाती है। तो बहुत से भाइयों की ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आया था। ये इसके साथ ही आप इसको जेर आउट जो होती है वो भी दे सकते हैं 2-3 टाइम, तो उससे ये बच्चेदानी बिल्कुल इसकी साफ हो जाएगी और ये मैला या जो कचरा डालना बंद कर देगी। और बिल्कुल आप देख भी रहे हैं, ये कचरा भैंस बैठने के बाद डालती है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, ऑक्सी जो पीले रंग की होती है और एक मेट्रोजिल जो दवाई हर मेडिकल पे उपलब्ध है, जो आदमियों को छोटी ग्लूकोज में आती है लगाई जाती है जो, वो मेट्रोजिल और एक ऑक्सी मिला के, 3 ऑक्सी आपको और 3 मेट्रोजिल लेनी है, और एक टाइम एक ऑक्सी और एक मेट्रोजिल किसी डब्बे में डाल के दोनों को एक साथ मिला के, और AI करने वाला डॉक्टर है उससे इसको बच्चेदानी के अंदर रखवानी है। ये तीन टाइम आपको ये करना है, 3 टाइम में बिल्कुल मैला साफ हो जाएगा और आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सभी भाइयों का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।